हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए धनिया और पुदीने की ये हरी चटनी बनाने की रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ये धनिया, पुदीना, नींबू, 1 इंच अदरक, लहसुन 3-4 कलियाँ और कुछ हरी मिर्च। तो मैंने धनिया को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, पुदीना को भी काट लिया है, अदरक को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और हम इस नींबू का रस निकाल लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक और लहसुन, और डाल देंगे हम इसमें पुदीना के पत्ते। पुदीना से एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आता है। और हम इसमें डाल देंगे ये धनिया पत्ता। इसमें अब हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा और डाल देंगे हम इसमें स्वादानुसार नमक। इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। अब हम इसमें थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा चटनी ग्राइंड होके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये चटनी बहुत गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला के एक और बार ग्राइंड कर लें। तो हमारा चटनी बनके तैयार है। इस चटनी का यूज़ मैंने दही पूरी बनाने के वीडियो में आपको दिखाया है। तो अगर आपको मेरा दही पूरी का वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा आसान सा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।